Welcome to my YouTube channel Indian Mathematics Classes. Today we are going to discuss class 11 chapter 1 shed. Before start exercise we have to know something about what is shed, representation of shed and the form of shed and the type of shed and so on. So the first is what is shed. Okay, so what is shed? A shed is a well-defined list. What is this? This is well-defined list or collection of thing. Collection of thing is called shed. Shed को person को कोई भी सामान को अच्छे तरीके से define कर सकते हैं तो उसे shed कहते हैं. तो इस तरह से आप पहचान सकते हैं कि shed है क्या. Okay. नेक्स्ट पॉइंट जो होता है वो क्या होता है. इट डज नॉट चेंज टाइम टू टाइम और पर्सन टू पर्सन. ये जो होता है पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होगा और समय के साथ भी ये चेंज नहीं होगा. जैसे एक एग्जांपल लिया जाए कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास. तो क्या अगर मान लीजिए मेरे क्लास में 30 स्टूडेंट हैं. ओके, मेरे क्लास में 30 स्टूडेंट हैं, क्या ये समय के साथ चेंज हो जाएगा? नहीं होगा. ये क्या है, एक अच्छे तरह से डिफाइंड है कि हाँ 30 स्टूडेंट है. तो इस तरह से कहते हैं सेट. ये सबको क्या कहते हैं, सेट कहते हैं. अगर सेट ऑफ नेचुरल नंबर की बात किया जाए तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो है एक से स्टार्ट होगा, दो तीन चार इस तरह से इन्फिनिटी तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा. तो वो भी जो है पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होता है. ओके, नेक्स्ट जो बात की जाए सेट को जो है रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल लेटर से. सेट को जो है रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल लेटर से और इसके जो एलिमेंट होते हैं, इसके जो एलिमेंट होते हैं उसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल लेटर से. ओके, इतना चीज आप लोग को पता होनी चाहिए. सेट जो है वो अगर ए स्मॉल ए जो होगा एलिमेंट होगा सेट ए का और बी जो होगा वो एलिमेंट नहीं होगा सेट ए का, तो इसे कैसे लिखेंगे, सेट बी का. तो इसे सिंबॉलिकली कैसे लिखते हैं, ए बिलोंग्स टू स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए. बट यहाँ क्या है, बी जो है वो क्या है, एलिमेंट नहीं है बी का. तो इसे कैसे लिखते हैं, बी बी लिखकर बिलोंग का साइन देके कट कर देते हैं. मीन्स कि बी नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल बी. ओके, एक सेट को जो है वो कर्ली ब्रैकेट से डिनोट करते हैं. इस तरह से कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो होता है वो सेट कहलाता है. ठीक है, नेक्स्ट जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट. तो सेट जो होते हैं दो तरीके से होते हैं, रोस्टर फॉर्म में और सेट बिल्डर फॉर्म में. अगर रोस्टर फॉर्म में बात की जाए तो एक छोटा सा ट्रिक है, अगर आप याद कर लेते हैं तो आप कभी कन्फ्यूज नहीं होंगे रोस्टर और सेट बिल्डर फॉर्म में. तो सेट बिल्डर फॉर्म में कभी कंफ्यूज नहीं होंगे. तो रोस्टर मतलब याद रखिए रोड पे. रोड पे कैसे चलते हैं हम लोग, अकेले अकेले. तो रोस्टर फॉर्म में जो है एलिमेंट जो होंगे वो कॉमा से सेपरेट होते जाएंगे. क्या होंगे, कॉमा से सेपरेट हो जाएंगे. और ये कर्ली ब्रैकेट आपको डिनोट कर रहा है कि ये एक सेट है. ठीक है, वही लिखा हुआ है यहाँ पर ही. इन दिस फॉर्म अ सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय द लिस्टिंग ऑल और सम ऑफ इट्स एलिमेंट. द एलिमेंट आर सेपरेट बाय द कॉमा एंड इनक्लोज इन अ कर्ली ब्रैकेट. ओके, अब आते हैं सेट बिल्डर के फॉर्म में. तो बिल्डर सेट बिल्डर बिल्डिंग से याद कर लीजिए बिल्डर. सो बिल्डिंग में क्या होता है, एक फॉर्म में सजा के लिखते हैं हम लोग बिल्डिंग में. तो बस उसी तरह से जो है इसमें जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग. मान लीजिए कि एक सेट है ए. ओके, और हमें बताना है कि एक इसका एलिमेंट हो गया एक्स. ओके, और ये नेचुरल नंबर का सेट है. तो यहाँ ये जो डबल डॉट, ये डबल डॉट जो है इसे सच डैट कहते हैं. सच डैट एक्स जो है बिलोंग करेगा कहाँ पर ही, तो एक्स बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर में. कहाँ बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर में. अगर मान लीजिए कि दिया हुआ है कि एक्स जो है वो लेस देन 7 है, तो इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में. वही लिखा हुआ है, इन दिस फॉर्म वी यूज अ लेटर स्मॉल टू रिप्रेजेंट एन आर्बिट्री एलिमेंट, राइट स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज
से पी एक्स सेटिस्फाइड बाई एलिमेंट ऑफ द सेट एंड द सेट इज रिप्रेजेंटेड लाइक दिस. ओके, तो यहाँ एक एग्जाम्पल से दिया हुआ है कि सेट ऑफ ए, अगर ए सेट ए जो है नेचुरल नंबर का है जो कि लेस देन सेवन है, तो ये फॉर्म जो है एक्स, ये भी लाइन जो है वो शो करता है सच डेट x such that x is a natural number or less than 7, इस तरीके से लिख सकते हैं, या फिर x such that x belongs to n, n means capital N means natural number and x less than 7. Okay. Next हम लोग देखेंगे set of numbers. तो set of natural number को हम लोग show करते हैं capital N से, और इसे set में represent करने के लिए ये कौन सा form है, roster form. Okay. कर्ली ब्रैकेट 1, 2, 3, 4, क्योंकि ये 1 से स्टार्ट होता है, तो 1, 2, 3, 4 इस तरह से डॉट डॉट चलता जाएगा. सेट ऑफ होल नंबर को डिनोट करते हैं क्या, कैपिटल W से, और ये कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से, तो 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट चलता जाए. सेट ऑफ इंटीजर इसे कैपिटल Z से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसमें नेगेटिव 0 एंड पॉजिटिव तीनों नंबर होता है. सेट ऑफ रैशनल नंबर जो है इसे पी बाई क्यू, P और Q कहाँ बिलोंग करेगा, इंटीजर्स में, और Q नॉट इक्वल टू 0, तो इसे रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल Q से. सेट ऑफ ई रैशनल नंबर जो है इसे रिप्रेजेंट करते हैं T, कैपिटल T से. ओके, और ई रैशनल नंबर क्या हो जाएगा, रूट में हमेशा रहेगा. ओके, सेट ऑफ रियल नंबर को कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को कैपिटल C से रिप्रेजेंट करते हैं. होप यू गेट इट. नेक्स्ट जो है वॉइड सेट, नल सेट, और इसे कहते हैं एम्प्टी सेट. सो तीनों इसी के नाम है, वॉइड सेट, नल सेट, एम्प्टी सेट. तो एम्प्टी मीन्स क्या होता है, खाली, मतलब एक ऐसा सेट जिसमें कुछ ना हो. तो इफ अ सेट हैज अ नो एलिमेंट देन इट इज कॉल्ड नल सेट, वॉइड सेट और एम्प्टी सेट. इट एक्सप्रेस एज, देखिए ये सेट रिप्रेजेंट करने का तरीका है कर्ली ब्रैकेट, और इसमें कुछ रहा ही नहीं, तो ये क्या हो गया, ये एक एम्प्टी सेट हो गया. और इसको किससे डिनोट करते हैं, तो ये एक होता है सिंबल जिसे फाई कहते हैं. ओके, सो अगर हम यहाँ पर एक एग्जांपल से देखें, तो एक एग्जांपल दिया हुआ है x सच डैट x बिलोंग्स टू इंटीजर. x कहाँ बिलोंग कर रहा है, इंटीजर में, मतलब इंटीजर z मीन्स नेगेटिव वैल्यू, 0 और पॉजिटिव तीनों वैल्यू होते हैं. ओके, तीनों वैल्यू होंगे, और ये बिटवीन x जो होगा बिटवीन 2 एंड 3. तो आप बता सकते हैं एक ऐसा सेट जिसमें जो 2 से स्टार्ट हो और 3 तक जाए और वो इंटीजर हो, तो आप बोलेंगे नहीं, कोई भी ऐसा नंबर नहीं है, मतलब ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक एम्प्टी सेट को. ओके, नेक्स्ट जो है वो है फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट. फाइनाइट से ही क्लियर है कि जो काउंटेबल होता है वो फाइनाइट, जिसे हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं वो इनफाइनाइट. तो अ सेट विच इज आइदर एम्प्टी और हैज अ फाइनाइट नंबर ऑफ डिफरेंट डिस्टिंक्ट एलिमेंट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट. ठीक है, एक ऐसा सेट जो खाली हो या फिर उसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हो, तो उसे कहेंगे फाइनाइट सेट. एक एग्जांपल ले सकते हैं कि ए कोई एक सेट है और उसमें नंबर्स हैं 1, 2, 3, तीन ही नंबर है, तो इसे हम लोग काउंट कर सकते हैं. जी हाँ, काउंट कर सकते हैं. तो ये एक एग्जांपल हो गया किसका, फाइनाइट सेट का. अब एक ऐसा सेट जो फाइनाइट नहीं है, उसे कहेंगे इनफाइनाइट सेट. जैसे अगर हम लोग नेचुरल नंबर ले लिए, तो क्या इसे नेचुरल नंबर का एंड है, इसे आप लोग काउंट कर सकते हैं, इसका कोई एंड नहीं है, ये चला जाता है इनफाइनाइट तक, तो ये हो गया एक इनफाइनाइट सेट. ठीक है, एक्सरसाइज 1.1. तो पहला का पहला क्वेश्चन, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बीइंग विद द बिगनिंग विद द लेटर जे. तो हमें पता है कि इन अ ईयर 12 मंथ्स होते हैं, जिसमें से जे लेटर से बिगनिंग आप बोल सकते हैं जून, जुलाई, जनवरी. तो ये होते हैं तीन मंथ जिसे हम लोग काउंट कर सकते हैं. तो सेट क्या बन गया, सेट बन गया जनवरी, जून, जुलाई, ये बन गया सेट. तो
चेक बताना था कि ये सेट है कि नहीं। तो ये तीन है, इसे हम लोग काउंट कर सकते हैं, ये एक फाइनाइट सेट है, तो ये एक सेट है। ओके, सो नेक्स्ट सेकेंड नंबर क्वेश्चन जो है वो क्या है, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स इन ऑफ इंडिया। कलेक्शन ऑफ अ मोस्ट फेमस राइटर इन इंडिया, ये जो होता है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। मे बी मेरे राइटर जो है कोई और हो, आपके राइटर जो है कोई और हो, तो ये एक जो होगा वो सेट नहीं होगा। ओके, यहाँ दिया हुआ है मोस्ट फेमस या फिर मोस्ट टैलेंटेड, तो ये सब जो होता है वो सेट नहीं होता है, क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन चेंज होते रहता है, तो ये सेट नहीं होगा। ओके, नाउ थर्ड नंबर क्वेश्चन। सो थर्ड नंबर क्वेश्चन जो है वो क्या है, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। सो ये भी जो होगा एक सेट नहीं होगा, क्योंकि जो होगा वो भी एक सेट नहीं होगा, क्योंकि अगर बेस्ट बैट्समैन की बात की जाए, तो हो सकता है कि आप महेंद्र सिंह धोनी को लो, मैं विराट कोहली को लूँ, कोई और किसी और प्लेयर को लेगा, तो ये क्या होगा, पर्सन टू पर्सन क्या करेगा, पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, और पर्सन टू पर्सन जब चेंज होता है, वेरी करता है, तो ये एक सेट नहीं होता है। क्या है, एक सेट, नॉट अ सेट, सेट नहीं होता है। ओके, सो फोर्थ नंबर क्वेश्चन इज द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। सो इन अ क्लास कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज, तो किसी भी क्लास में मान लीजिए ए एक सेट है मेरे क्लास का, और उसमें 40 स्टूडेंट हैं, तो क्या आप इसे काउंट नहीं कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं, क्योंकि ये फाइनाइट सेट है, इसे हम काउंट कर सकते हैं। सो ये जो होगा ये क्या होगा, एक सेट होगा। ओके, ये सेट होगा, क्योंकि इसे हम काउंट कर सकते हैं, नंबर ऑफ बॉयज को हम लोग काउंट कर सकते हैं हमारे क्लास में। ओके, नेक्स्ट जो है वो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। क्वेश्चन, कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, मान लेते हैं एक सेट है ए, और इसमें जो है हम लोग को लिखना है नेचुरल नंबर का कलेक्शन। तो हमें पता है कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, 2 से स्टार्ट होता है, और ऐसे ही चलते जाता है। लेकिन यहाँ पर एक लिमिट दिया हुआ है, एक फाइनाइट दिया हुआ है कि ये जो है नेचुरल नंबर वो कहाँ तक जाएगा, लेस देन 100 तक, मतलब कि हम लोग इसे 99 तक लेकर स्टॉप कर सकते हैं। तो ये एक तरह का क्या है, फाइनाइट सेट है, मतलब कि पांचवा नंबर भी हमारा सेट है। ओके, नेक्स्ट जो है सिक्स नंबर, अ कलेक्शन ऑफ अ नॉवेल्स रिटन बाय द मुंशी प्रेमचंद। प्रेमचंद ने जितने भी नॉवेल्स को लिखे हैं उसे तो हम काउंट कर सकते हैं ना, तो इसे एक सेट में रिप्रेजेंट तो कर सकते हैं ना, कि उन्होंने कितने बुक्स कितने नॉवेल्स लिखे हैं, तो ये जो होगा एक सेट होगा। ओके, नेक्स्ट जो है सेवन नंबर क्वेश्चन, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर। इवन इंटीजर्स जो है वो 2 से स्टार्ट होते हैं, हमें पता है कि ये 2 से स्टार्ट होते हैं, और इसमें माइनस वाले भी सारे ऐड हो जाते हैं, तो ये इस तरह से कुछ रिप्रेजेंट होगा, और ये क्या है, एक इनफाइनाइट सेट है। ओके, क्योंकि ये वेल डिफाइंड होता है, और ये पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करता है, टाइम टू टाइम चेंज नहीं होता है, तो ये क्या है, इनफाइनाइट सेट है। ओके, एट नंबर क्वेश्चन, द कलेक्शन ऑफ ऑल क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। इस बुक में जितने भी क्वेश्चंस है इस चैप्टर में, वो तो आप काउंट कर सकते हो ना, तो वो एक तरह का क्या हो गया, एक फाइनाइट सेट हो गया। ओके, नेक्स्ट जो है वो नाइन नंबर, द कलेक्शन ऑफ अ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। सो मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड, सो आपको पता है कि मोस्ट डेंजरस ये क्या है, एक ये जो है एक इमेजिनेशन है, बोल सकते हैं कल्पना है, जिसे फील किया जा सकता है। तो मोस्ट डेंजरस एनिमल, सो ये सेट होगा क्या, नहीं होगा, क्यों, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे लोगों के हिसाब से छिपकली भी डेंजरस होती है, लेकिन बहुत कोई जो है छिपकली को डेंजरस नहीं मानते हैं, तो ये पर्सन टू पर्सन क्या करता है, वेरी करता है, तो ये क्या होगा, एक सेट
नहीं होगा, नॉट अ सेट। तो होप यू अंडरस्टैंड किस तरह से सेट होंगे। कुछ आपको एग्जांपल देने चाहें तो जो भी इमेजिनेशन में होंगे, अगर आपको पहचाननी है जो भी इमेजिनेशन में होंगे, जैसे फेमस, इसे आप डिफाइन कर सकते हैं क्या? नहीं डिफाइन कर सकते। डेंजरस, ये सबको आप डिफाइन नहीं कर सकते हैं। इंटेलिजेंट, ये सब वर्ड को आप डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो ये सब जो वर्ड होंगे जहां आपको दिखेंगे वो सेट नहीं होते हैं। ओके okay?